हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। अपने पास आया है महिंद्रा बोलेरो पावर प्लस। इसका पन पेंट का काम करेंगे और कहीं कहीं पे रस्टिंग हो गया है, आप ये देख सकते हो। इसको अपन और स्टिकर है पूरी गाड़ी में, ये पूरा गेट मन में स्टिकर है, ये किसी चीज़ का स्टिकर लगाया हुआ है। ये बोनट में भी पूरा स्टिकर है, देख सकते हो आप। और इस साइड में भी है पूरा स्टिकर, देखिए आप। ये देखो पूरा स्टिकर लगा हुआ है गाड़ी में। इसको अपन निकालेंगे स्टिकर को। स्टिकर को निकाल के फिर इसमें अपन आगे काम करेंगे। और इसमें यहाँ भी ये नाली, टॉप का नाली में भी देख सकते हो आप, पूरा जंग लगा हुआ है, ये देखिए। इसको भी अपन सही से करेंगे ठीक। और यहाँ पे भी है क्वार्टर पैनल में मडगार्ड के नीचे, और यहाँ पे नाली दबा हुआ है हॉल का, उसके नीचे भाग में भी है। तो यहाँ पे DI पल्ला में यहाँ भी रस्टिंग पकड़ लिया है, और ये पूरा स्टिकर लगा हुआ है। तो पहले तो स्टिकर छुड़ाते हैं अपन। स्टिकर छुड़ाने के बाद देखते हैं उसमें कितना स्क्रेच आता है। ये अपना स्टिकर छुड़ाने का काम कर रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है थोड़ा सा, और आराम से निकालना पड़ेगा, नहीं तो पूरी बॉडी में चिसा जाएगा, स्क्रेच लग जाएगा, तो दिक्कत जाएगा। तो अपन इधर इस साइड का स्टिकर निकाल चुके हैं। अपना ये सुरेन सफाई कर रहा है इसको। अपन इसको डीजल से साफ कर रहे हैं ताकि कि पेंट में किसी तरह का कोई दिक्कत ना आए। अगर थिनर से करेंगे तो पेंट फूल भी सकता है, और पेंट मारने के बाद शायद कुछ नुक्स भी निकल जाए, इसलिए अपन इसको डीजल से ही साफ़ कर रहे हैं। देख सकते हो आप, पूरा किलिंग साफ़ हो जा रहा है, क्योंकि ये धूप में है तो थोड़ा सा क्या है, उसका जो स्टिकर का लासा जो है ना, वो गीला टाइप का है, तो डीजल से आसानी से छूट जा रहा है। थोड़ा समय लग रहा है पर छूट जा रहा है। और ये अपन इस साइड में भी है, अभी बोनट का भी छोड़ाएंगे, तो आप देख सकते हो पूरा क्लीन हो गया है, पूरा क्लियर है एकदम। अब कहीं कहीं पे स्क्रैचेस है गाड़ी में, कोई ख़ास कलर ख़राब नहीं हुआ है। तो अपन ये स्टिकर तो छुड़ा लिए, अभी उसमें चेक पुट्टी लगा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी का कलर फ्रेश है, तो इसको अपन एक ही बार में फाइनल करेंगे। ये पूरा देख सकते हो आप, जहाँ जहाँ पे स्टिकर छुड़ाए थे तो वहाँ वहाँ पे ब्लेड से थोड़ा बहुत लग गया है। अब क्योंकि स्टिकर है, अब ब्लेड से निकालोगे, पुट्टी ब्लेड से, तो कहीं ना कहीं पे आएगा ही। और पहले से भी इसमें स्क्रेच था, जो स्टिकर लगाया था तो दबा हुआ था, दिख नहीं रहा था। बाकी अपना स्टिकर का पूरा काम हो गया है, चेक पुट्टी का अपन काम चल रहा है। इसको घिसाई करेंगे अपन 600 नंबर वाटर पेपर से, फिर इसमें अपन एक कोट कलर चढ़ाएंगे। ये देखिए पूरा इस साइड में भी था, तो अपना पुट्टी लग रहा है, अभी भी पुट्टी का काम हो रहा है। अब इसमें ये अपना एक कोट चढ़ा दिए हैं, और ये अपना उदय भाई इसको रब कर रहा है 600 नंबर पेपर से घिसाई करके। ये देख सकते हो मास्किंग उस्किंग सब हो गया है, एक कोट हो चुका है। तो ये अपना उदय भाई इसको पूरा रब कर रहा है, क्योंकि जो थोड़ा रफनेस रहता है। आए अपना फाइनल कलर चल रहा है, इसमें आप देख सकते हो फाइनल कलर मार रहे हैं। कि धूप बहुत है तो अपन धूप में ही खड़ा करके मार रहे हैं इसको, ताकि कि जल्दी जल्दी सेट हो जाए। देख सकते हो आप, बोनट को अपन कलर मार रहे हैं। इस साइड हो गया है, इधर हो रहा है। इस गाड़ी में बहुत दिक्कत हुआ, स्टिकर छुड़ाने में थोड़ा सा परेशानी गया है। ये देख सकते हो आप, ये गाड़ी अपना कलर हो चुका है चारों तरफ, शाइनिंग भी अच्छा दिख रहा है, आप बोनट में देख सकते हो।
ये देखो बोनट में अच्छी शाइनिंग है फुल। तो ये अपना फाइनल हो चुका है गाड़ी, ये अपना फाइनल है गाड़ी का फोटो, ये वीडियो ये देख सकते हो। अपन पैरदान को अपन मैट ब्लैक मार दिए हैं, डिस्क को इसको शाइनिंग वाला ब्लैक मारे हैं। अब देखिए गाड़ी कितना सुंदर दिख रहा है, पहले से बहुत अच्छे दिख रहे हैं गाड़ी, देख सकते हो आप सामने से भी लुक बढ़ गया है गाड़ी का। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मेरा वीडियो पसंद आए तो। देखिए इधर भी वही किए अपन, अभी इसमें मिरर लगाना बचा है।